देखिए मैं आपको नॉन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देता हूं पूरी घटना का जी। यादव सिंह, चूंकि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बना रहा हूं, प्रमुख सचिव रहा हूं, मैंने देखा इसके पूरे प्रकरण को देखा है। 1995 में यादव सिंह को पी बनाया गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर। 1995 में राष्ट्रपति शासन था उस वक्त, और पी बनाया गया बिना बीटेक की डिग्री के। वो केवल आईटीआई का डिप्लोमा होल्डर था जी, और उससे ये वादा लिया गया कि आप पिछले आने वाले 3 वर्ष में बीटेक पूर्ण कर लेंगे। ये 95 से आरंभ हुआ है जी जी। उसके बाद तमाम गवर्नमेंट आई है, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट भी रही है, 3-3 गवर्नमेंट रही है। उसके बाद फिर ये पिछले 10 साल से आपको पता ही है बसपा और सपा की गवर्नमेंट रही है जी। लेकिन यादव सिंह जैसे नवरत्न जो हैं वो केवल विकसित जो हुए और फले फूले, ये पिछले 10 वर्ष में फले फूले हैं। मैं बताता हूँ घटनाक्रम आपको, डेट वाइज बताऊंगा घटनाक्रम में आपको जी। देखिए, यादव सिंह को बिना डिग्री के चीफ इंजीनियर किसने बनाया? बसपा ने बनाया, सब जानते हैं। उनके काल के जो प्रकरण है वो सब खुले हैं, जिसमें कि 14 लाख स्क्वायर मीटर लैंड नोएडा एक्सटेंशन की, जिसका भूमि का उपयोग बदला गया इंडस्ट्रियल से लेके वो जो किया गया उसको जो घरेलू के रेजिडेंशियल किया गया, वो प्रकरण हुआ। वो अब तक चला है, सरकार में भी हुआ है वो। वो महत्वपूर्ण प्रकरण जो आएगा अभी सीबीआई के प्रव्यू में, चूंकि उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, वो 22,000 करोड़ का घोटाला है। अब यादव सिंह पे वापस आता हूं मैं। वर्तमान सत्ता पक्ष ने क्या किया यादव सिंह का, वहां बताता हूं क्या किया। अब आप देखिए, 27-28 नवंबर 2014 को इनके खिलाफ आईटी की रेड हुई थी, इनकम टैक्स की, आपको याद है इस बात की जी। और ये सरकार जब आई थी, ये आई थी अब मार्च 2012 में। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि जून 2012 में यादव सिंह को 954 करोड़ रुपए के अनियमितता घोटाले में आरोप पत्र देके सस्पेंड कर दिया जी, और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। लोगों ने बहुत तारीफ की इसकी कि भाई आप विद इन थ्री मंथ्स आपने ये कमाल कर दिया कि जो नवरत्न है वहां नोएडा का, ऐसे नवरत्न, हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े नौकरशाह और इंजीनियर अभी इन दोनों सत्ताओं में बनते हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन बाद में क्या किया ना, 17 महीने के अंदर जी क्या डील हुई और क्या कहानी गढ़ी गई, इसको तत्काल सीबीसी, उसका एफआईआर जो दर्ज हुई को सीबीसीआईडी को ट्रांसफर करके उसमें फाइनल रिपोर्ट लगवा के उसे बहाल कर दिया। और बहाल नहीं किया बल्कि उसको एक अलग पद क्रिएट करके, जो इलीगल था पद सरकार ने क्रिएट नहीं किया, स्थानीय रूप से पद क्रिएट करके उसमें इंजीनियर इन चीफ तीनों अथॉरिटी का बना दिया उसको। अगर कोई डील नहीं थी, कोई कदाशा नहीं थी, तो क्यों उसको सस्पेंड किया पहले और क्यों उसको फिर बहाल करके उसको प्रमोट कर दिया जी। अब इशू आता है ये, और एक जो आता है इसके बारे में आपको पता हो कि 3 अगस्त 2015 को सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की इनके खिलाफ, एक 90 करोड़ की थी, एक 110 करोड़ की थी, जो अंडरग्राउंड केबल की मोस्टली घटना है। उसके बाद 5 अगस्त को, 2 दिन बाद ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि सीबीआई का इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, हमने वन मैन कमीशन इंस्टीट्यूट कर दिया है जी, हमने इसके अंदर सीबीसीआईडी से इंक्वायरी करा रहे हैं, तो उसका विरोध किया इन्होंने। अगर इनकी कदाचार नीति तो विरोध क्यों किया उसका, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको खिलाफ आक्षेप लगाते हुए कि आपको क्या दिक्कत है इंक्वायरी में, अब उसको वापस कर दिया, अब इंक्वायरी हो रही है। हुआ क्या उसके बाद 5 महीने, हम क्यों कहते हैं तोता है, इस पे आता हूं मैं जी। 6 महीने हो गए, 3 अगस्त 2015 से 2 फरवरी 2016 को ये गिरफ्तार होता है। 6 महीने तो उसको बाहर छोड़े रहते हैं आप, वो अपने सारे एविडेंस हटा लेता है, ठीक है, उसके पूरे ठिकानों पर रेड भी पूरी नहीं हुई है, उसके यहाँ जो कन्फिस्केशन हुआ है, जो उसके यहाँ जब्ती हुई है, सामग्री हुई है, गहने हैं, पैसा है, कैश है, वो हुआ है, वो प्रथम दस्ता पर्याप्त साक्ष्य था, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया उसको जी। अब उसको अब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किस मामले में किया गया, आपको पता है कल कोर्ट में इनकी हाजिरी हुई थी, तो कोर्ट में क्या बयानत हुए हैं, जज ने कहा कि इनको क्यों रिमांड दें हम, ये 6 महीने से आपके हाथ में थे, काबत की रिमांड, अब क्या कर रहे हैं आपको, 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, बामुश्किल 6 दिन की रिमांड मिली, इसलिए केस कमजोर बताता हूं मैं जी। अब ये इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रकरण जिनमें राजनीतिक रिपरकशंस होते हैं, उन केसेस को सीबीआई को, अब वैसे बहुत अच्छी संस्था है, अधिकारी बहुत अच्छे, वहां शंका से देखा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यादव सिंह के ऊपर अगर अन्य चार्जशीट नहीं लगी और एक केस ही जिसमें प्रस्तुत किया गया है, वो अगली पेशी में वो जमानत हो जाएगी उसकी। और मुझे लगता है, इसलिए मैंने फेसबुक वॉल पे भी लिखा है जी, कि ये जो लगता है मुझे एक तरह की, इस तरह का एक 2017 के चुनाव की कवायद है कि इसको गिरफ्तार करके